बोट स्पीकर्स के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना, तो मैंने सोचा क्यों ना इन स्पीकर्स को खुद खरीद के टेस्ट करके आप लोगों तक एक रिव्यू भेजा जाए, सो दैट इट वुड हेल्प यू गाइज टू डिसाइड कि आपको ये स्पीकर्स खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीवन, मेरा नाम है ADP, आप लोग देखें रिव्यू SHEVIEW। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों डिज़ाइन के बारे में। जो डिज़ाइन है वो थोड़ा बड़ा है, मतलब पोर्टेबल है डेफिनेटली, बट लिटिल बिट ऑन द लार्जर साइड। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इनफैक्ट इस प्राइस पॉइंट पे शायद ये सबसे टफ स्पीकर्स हैं। एक पूरी रबर की ग्रिप मिलती है आपको इनके बॉडी पे। मेरे को कभी कभार लगता है ये ढंग से ग्लू नहीं किया गया, पता नहीं, मे बी शायद इनका डिज़ाइन ऐसा है। ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, स्प्लैश रेजिस्टेंट नहीं है, लेकिन आप जब इनको पकड़ोगे अपने हाथ में तो एज अ होल काफ़ी प्रॉपर ग्रिप मिलने वाली है दोस्तों आप लोगों को। सो एज अ होल जो पैकेज है फील का, वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपका। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई वो है ये धागा, क्योंकि ये धागा काफ़ी चीप दिखाता है इसको, पता नहीं क्यों दे रखा है। अगर इनको धागा कुछ देना ही था लटकाने के लिए इन स्पीकर्स को, तो थोड़ा बेटर कुछ दे सकते थे। ये काफ़ी चीप दिखता है, लगता है आपने खुद से अटैच किया और कंपनी के थ्रू नहीं आता है। बटन्स भी कुछ खास नहीं है दोस्तों, मतलब बटन्स थोड़े बड़े हैं साइज़ में, बट जब आप उनको प्रेस करोगे सो कुछ खास नहीं लगता है, मतलब चीप सी फील आती है। दे वर्क परफेक्टली बट मज़ा नहीं है उन बटन्स को प्रेस करने में। इसमें आपको एक LED इंडिकेटर भी मिल जाता है जो ग्रिल के अंदर है। इसमें आपको एक वोकल गाइडेंस मिलती है जब भी आप इन स्पीकर्स को ऑन करोगे। इसमें एक ऑक्स पोर्ट है, एक चार्जिंग पोर्ट है और एक आपको माइक भी मिल जाएगा। आई डोंट नो कितने लोग जो हैं वो माइक के थ्रू कॉल करने की कोशिश करते हैं, बट मैं नहीं करता, लेकिन माइक दिया गया है। सो आई डोंट नो कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है एग्जैक्टली, लाइक कितने लोग इसको यूज़ करने वाले हैं, बट इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ कॉल यूजिंग दिस स्पीकर यू कैन। और इनमें एक साल की मैनुफैक्चर वारंटी भी है दोस्तों। अब बात करते हैं हम साउंड क्वालिटी की। जो साउंड क्वालिटी है वो वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेटली है इस प्राइस पॉइंट पे, मतलब काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी आप लोगों को मिलने वाली है। 5 वॉट के 2 स्पीकर्स हैं, मतलब 10 वॉट्स, एंड आपको एक एक्सटर्नल पैसिव रेडिएटर भी दिया गया। जिन लोगों को नहीं मालूम है पैसिव रेडिएटर क्या होता है, पैसिव रेडिएटर एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से आपको जो बेस है वो काफ़ी तगड़ा मिलता है। सो सुपर बेस के लिए इन्होंने पैसिव रेडिएटर भी ऐड करके रखा हुआ है, जो शायद इस प्राइस पॉइंट पे इन्हीं स्पीकर्स में है। तो दोस्तों एज अ होल जो साउंड है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। जो एक चीज़ मुझे नहीं पसंद आई वो ये कि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बेस नहीं पसंद होता, तो वो अगर लो बेस वाला गाना चलाएंगे तो ये स्पीकर्स थोड़े वीक पड़ जाते हैं। जो साउंड की क्वालिटी है वो अच्छी रहती है, लेकिन जो लाउडनेस है वो काफ़ी कम हो जाती है, तो आपको एकदम मीडियोकर स्पीकर्स लगते हैं तब। लेकिन अगर आपको बेस पसंद है तो गो फॉर इट। सो गाइज, हियर इज अ सैम्पल ऑडियो, untouched, unedited. Hope you'll enjoy it. So you find your way back home. दोस्तों अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बैटरी। तो बैटरी इसकी है 1800 mAh की, एंड दे क्लेम कि ये 8 घंटे चल जाएगी इजीली, एंड इट एक्चुअली लास्ट फॉर 8 आवर्स। अगर आप इनको मीडियम लेवल पे सुनते हो, मतलब इन स्पीकर्स के थ्रू, तो ये 8 घंटे से ज़्यादा भी चल सकती है। सो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। इनमें आपको मिलती है ब्लूटूथ 4.1 की कनेक्टिविटी, 30 फीट्स का रेंज मिल जाता है आपको, और जो साउंड है वो हाईएस्ट वॉल्यूम पे फटता नहीं है। सो इस प्राइस पॉइंट पे जो वॉल्यूम आपको मिलता है, जो क्लैरिटी आपको मिलती है, काफ़ी अच्छी है। मिड्स अच्छे हैं, लोज अच्छे हैं, एंड हाईज भी अच्छे हैं। सो आपको जो साउंड क्वालिटी मिलती है उनमें आपको कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा इस प्राइस पॉइंट पे। एंड अगर आप बात करोगे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वो भी काफ़ी अच्छी है। बैटरी बैकअप आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, एंड जो प्राइस है दोस्तों वो है सिर्फ 1400 रुपये जब मैंने खरीदा था। सो जो बेस्ट बाय लिंक्स है वो एज़ यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो कि लाइक बटन के नीचे है। एंड उसके बाद कुछ FAQs
कि ये कौन कौन से कलर्स में आते हैं, ब्लू एंड ब्लैक, एंड इनमें क्या आपको चार्जर केबल मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, ऑक्स केबल भी मिलता है आपको, एक यूज़र मैनुअल भी मिल जाता है आपको, आप चार्ज कितने टाइम में कर सकते हो इनको, तो 2 घंटे लगते हैं, 2 से 2.5 घंटे के बीच में फुल चार्ज हो जाते हैं, 1800 mAh की इनकी बैटरी है दोस्तों, बैटरी बैकअप आपको 8 घंटे से ज़्यादा का मिल जाता है। उसके बाद क्या आप इनको चार्ज करते हुए यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली, क्या आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट होते हैं, डेफिनेटली, एंड अनदर थिंग Amazon पे Amazon's चॉइस भी है ये, सो डेफिनेटली ये आपको निराश तो बिल्कुल नहीं करेंगे, एंड स्पीकर्स के मामले में मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ, एंड ये स्पीकर्स अच्छे हैं, मेरे को 2-3 चीज़ें नहीं पसंद आई वो मैंने मेंशन कर दिया, जैसे वो घटिया सा धागा बिल्कुल नहीं पसंद आया मेरे को, लेकिन अगर उसको हटा दिया जाए तो ये स्पीकर्स डेफिनेटली वर्थ बाइंग है। तो ये थे कुछ FAQs। अगर आपके फर्दर और कोई सवाल है या कोई भी और एडवाइस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके डेफिनेटली बताएं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, अंटिल देन ओवर एंड आउट। पैसिव रेडिएटर भी है और कुत्ते हमेशा भौंकते रहते हैं, आई डोंट नो इनको कैसे भगाऊं मैं।